अन्नू रानी, जिन्होंने IAAF विश्व चैंपियनशिप 2019 में भाला फेंक महिलाओं के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया, जहां वो दोहा में 12 में से 8वें स्थान पर रही, मंगलवार देर रात घर लौटी। हमने अन्नू रानी से बात की और 62.43 मीटर के थ्रो के साथ अपना पर्सनल बेस्ट भी है, यह एक नेशनल रिकॉर्ड भी है, उस पर भी बात की। उस दिन सर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पहले से मैं ये रखा था कि मतलब मुझे फाइनल में जाना है और अच्छा करना है, तो मतलब मेरा मुझे कंफर्म थी मैं कि मैं फाइनल में तो जाऊंगी, क्योंकि मैं मेरा बेस्ट करूंगी। उस दिन मैंने मतलब बेस्ट भी किया और न्यू नेशनल रिकॉर्ड किया, अच्छा लगा। नहीं, और बेहतर हो सकता था, क्योंकि मुझे थोड़ा एल्बो इंजरी था, एल्बो प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अभी इतना आज 100% ना करके थोड़ा फाइनल के लिए मैं करती हूँ, तो लेकिन और अच्छा हो सकता, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, मैं ज़्यादा एग्रेसिव हो गई कि मतलब मेडल लेना है वो सोच के, तो मतलब जो मेरा टेक्निक है उसमें उसपे इतना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो थोड़ा गलती हुआ मेरा। इंजरी तो इतना तो नहीं था, टेपिंग वगैरह किया था, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निक पे फोकस करती तो 64-65 हो सकता था।